सुशील सूदन, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज एंड एक्शन फोरम की तरफ से रखी गई है, ये जो एक इन्होंने आर्टिकल में 226 में अमेंडमेंट की है, कुछ क्लासेस नहीं जोड़ी हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि कोई भी कानून जो एम्प्लॉयज या पब्लिक के हक में होना चाहिए, ऐसा कोई भी आर्टिकल या कोई भी कानून जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो एम्प्लॉयज के खिलाफ हो। हम ये समझते हैं कि इस जो अमेंडमेंट की है वो एक क्लासेस जो नहीं लगाई गई है वो एम्प्लॉयज के खिलाफ बात है, और उसके बाद एक नया जो इन्होंने एक सर्कुलर निकाला है, नित डेली कोई ना कोई ऐसा सर्कुलर निकालते हैं जिससे एम्प्लॉयज को हरास किया जा रहा है। हमारी ये पुरजोर अपील है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि एम्प्लॉयज लीडर को वहाँ जहाँ बुलाया जाए, क्योंकि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें मैक्सिमम कश्मीर की लीडरशिप और मैक्सिमम जम्मू की लीडरशिप बैठी है। अगर कुछ लोग बाहर हैं हम उनको भी बिठाकर बातचीत करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द अगर यहाँ और कश्मीर में अगर हमारे लीडर्स को नहीं बुलाया गया तो गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एक लीडरशिप का प्रोग्राम होगा, प्रोटेस्ट होगा सेम डे सेम टाइम कश्मीर प्रेस क्लब और जम्मू प्रेस क्लब में, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की होगी।